एक बार स्टीफन हॉकिंग्स को पूछा गया था, क्या आप ईश्वर को मानते हो? क्या ईश्वर इस दुनिया में अस्तित्व रखता है? Does God exist in this world? तब स्टीफन हॉकिंग्स ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया था। स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था, गॉड है या नहीं इस डिबेट में मैं पढ़ना नहीं चाहता, पर एक साइंटिस्ट होने के नाते मैं दावे के साथ बता सकता हूँ कि इस यूनिवर्स का निर्माण किसी गॉड ने नहीं किया है, इस दुनिया का निर्माण किसी ईश्वर ने नहीं किया है। इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, समाज के प्रति जिम्मेदार रवैया, समाज के प्रति आदर सम्मान। स्टीफन हॉकिंग्स कह सकते थे कि ईश्वर नहीं है, पर उन्होंने ऐसा कहा नहीं, क्योंकि वो समाज के करोड़ों लोगों के भावना का आदर करते हैं। इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने क्या कहा, ईश्वर है या नहीं है इस वाद विवाद में मैं पढ़ना नहीं चाहता, पर एक वैज्ञानिक होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया का निर्माण किसी ईश्वर ने नहीं किया। कितना सिंपल और अच्छा आंसर दिया। अगर यही सवाल नंबी नारायण जी को पूछा जाता, डज गॉड एग्जिस्ट, वो कहते यस एग्जिस्ट। अगर पूछा जाता कैसे, तो बस ये तो श्रद्धा है, क्योंकि धर्म और ईश्वर ये मान्यता के आधार पर चलते हैं। इसे किसी रिसर्च की जरूरत नहीं होती या किसी एविडेंस की जरूरत नहीं होती, पर साइंस रिसर्च और एविडेंस को मानता है, ना कि धर्म एविडेंस को मानता है। धर्म केवल मान्यताओं के आधार पर चलता है। तो नंबी नारायण जी जो है वो एक साइंटिस्ट थे, और साइंटिस्ट अगर मान्यताओं पर चल रहा है तो इसमें दिक्कत होनी चाहिए। अगर वो पर्सनल लेवल पर चल रहे हैं इट्स ओके, पर अगर वो पब्लिकली, जैसे कि अभी उन पर एक मूवी बनी है रॉकेटरी, बायोपिक है, आर माधवन जी ने बनाई है, और उस मूवी के शुरुआत में ही कुछ उन्हें धार्मिक कर्मकांड करते हुए बताया गया है, ऐसा मैंने सुना है। मैंने अभी तक मूवी देखी नहीं है, बट जहां तक मैंने सुना है कि कुछ धार्मिक कर्मकांड या पूजा पाठ करते हुए दिखाया गया है, इससे क्या मैसेज जाएगा सोसाइटी में कि भाई साइंटिस्ट होने के बावजूद ये लोग पूजा पाठ करते हैं तो हम आम लोग क्यों नहीं कर सकते, यही मैसेज जाएगा, है ना। और इस कर्मकांड के वजह से हमारे भारत में जो इलिटरेट लोग हैं उनके ऊपर कितना अन्याय अत्याचार होता है, उनको कितना लूटा जाता है कुछ पाखंडी लोगों द्वारा, ये आप सभी जानते हैं। और इसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि भाई पूजा पाठ करो, अगर साइंटिस्ट कर सकते हैं तो आम इंसान तो कर ही सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें द पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता है, लोगों के राष्ट्रपति, जब वो राष्ट्रपति बने थे ना 2002 में, तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था, तो सत्य साई बाबा के चरणों में जा पड़े थे। अभी इतना बड़ा साइंटिस्ट जब सत्य साई बाबा के चरणों में जा पड़ा है, तो सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर, ये लोग सत्य साई बाबा को क्यों नहीं माने। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जब कोई साइंटिस्ट इस तरह का कृत्य करता है तो लोग उसे फॉलो करते हैं। सत्य साई बाबा किस तरह के चमत्कार करते हैं यूट्यूब पे आज पूरा का पूरा उन्हें एक्सपोज किया गया है, किस तरह वो हवे में हाथ फैलाते और मिठाई लाते हैं, या हवे में हाथ करके चैन अपने आप लाते हैं, यूट्यूब पे सारे एविडेंस के साथ पूरा एक्सपोज किया गया है उन्हें। पर एपीजे अब्दुल कलाम जब प्रेसिडेंट हुए और उनके चरणों में जा पड़े, इसके वजह से आम लोगों का विश्वास सत्य साई बाबा पर बढ़ गया। ये इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है जो एपीजे अब्दुल कलाम जी का भी था। प्रतिभादाई पाटिल, एपीजे अब्दुल कलाम के बाद जब वो प्रेसिडेंट बनी, राष्ट्रपति बनी प्रतिभादाई पाटिल, तब उन्होंने क्या किया, जो प्रेसिडेंशियल हाउस है उसको गोमूत्र से उन्होंने वहां पर कुछ धार्मिक विधि की प्रतिभादाई पाटिल ने। अब ये देख के लोगों में क्या इंप्रेशन जाएगा। देखिए आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर हो, संविधानिक पद पर हो, और संविधान का आर्टिकल 51 क्या कहता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाना है, और आप लोग क्या कर रहे हो, आपकी रिलीजियस फेथ, रिलीजियस बिलीफ, ये घर में होने चाहिए, प्राइवेटली होने चाहिए। जैसा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, राज्य का कोई धर्म नहीं होता, लोगों का होता है, पर राज्य का कोई धर्म नहीं होता, और राज्य को मिलके राष्ट्र बनता है, और अब राष्ट्र के राष्ट्रपति है, और उसके बावजूद आप धर्म को लेके चल रहे हो, तो ये दिक्कत है। इसे कहते हैं इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, गैर जिम्मेदार रवैया। अब कुछ लोगों का मानना है कि इतने सा सीन दिखा दिया उस पर इतना अहोल्ला क्यों कर रहे हो, मैंने तो खैर वो देखा भी नहीं है, बट मैंने जो सुना है मुझे ऐसा लगता है कि इसका परिणाम जो है वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे इंडिया में फिल्मों में जो दिखाया जाता है
उसे बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है। हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहां पर आज भी एक मान्यता है कि 10 नारियल चढ़ाने पर बच्चे पैदा हो गए, आम खाने पर बच्चे पैदा हो गए। जो भिड़े गुरु जी है उसने कुछ कहा था, आम खाने पर बच्चे पैदा होते हैं, नदी में डुबकी लगाने पर हमारे पाप धुल जाएंगे, चादर चढ़ाने पर हमारी समस्या का समाधान मिल जाएगा, या कैंडल चढ़ाने पर हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो इस तरह की मान्यताओं में हम लोग आज जी रहे हैं, और इसी तरह के मान्यताओं को अगर फिल्मों द्वारा दिखाया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा। ये जो लोग कर रहे हैं और इनसे जो करवा रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि भाई लालबाग के राजा को 20 नारियल चढ़ा, फिर देख कैसा चमत्कार होता है तेरे लाइफ में, ये जो फंसाने वाले लोग हैं इनको तो और ताकत मिलेगी। ये लोग तो इनको बताएंगे कि देखो साइंटिस्ट होने के बावजूद वो मानता था और आप क्या नाटक कर रहे हो। तो इस तरह का परिणाम इस सोसाइटी में होगा। इसलिए दोस्तों साइंटिफिक टेंपर बढ़ाने के लिए इस तरह की चीजें फिल्मों में दिखाने से हमें बचना चाहिए, या फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो साइंटिस्ट है, उन्हें तो भी इस तरह के मान्यताओं का प्रचार नहीं करना चाहिए। देखिए अध्यात्म अपने जगह, अध्यात्म के कई सारे फायदे हो सकते हैं, वो साइकोलॉजिकल फॉर्म में हो या फिर भौतिक जीवन में हो, कई सारे इसके फायदे है, डेफिनेटली है। पर ये जो प्रथा परंपरा और कुछ मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं को प्रमोट मत करो, क्योंकि इसका परिणाम बहुत गंभीर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।